नमस्कार दोस्तों, आज मैं बता रही हूँ आपको कनके की खीर। और ये सर्दी के मौसम में ही बनाई जाती है स्पेशली। और इसको मैं साफ़ कैसे किया जाता है साबुत कनके को और कैसे इसको खीर बनाई जाती है, दोनों तरीके आपको बताने जा रही हूँ। बने रहिएगा वीडियो में, तब तक के लिए। खीर बनाने के लिए मैंने ये लिया यहाँ पर कंगनी, कंगनी बोलते हैं इसको, आपके यहाँ क्या बोलते हैं वो भी बताइएगा। लेकिन ये जो छिल इसके ऊपर ये जो कंगनी है ये छिलका चढ़ा हुआ है, जैसे कि चावल का धान होता है ना, चावल तो वाइट होता है उसके ऊपर जो ब्राउन छिलका होता है, तो ऐसे ही इसके ऊपर भी छिलका चढ़ा हुआ है ये, तो इस छिलका को हमें हटाना पड़ता है। मैंने ये बचपन में खाई थी खीर और मेरे को अब तक इसका टेस्ट याद है। तो अभी कहीं शादी में खाई तो फिर मुझे याद आया मैंने मार्केट से मंगवाई तो, लेकिन मेरे हस्बैंड को ये मिली है तो एक बार डाउट हुआ कि ये क्या है, लेकिन जब हम फिर इसको छिलका हटा के मैंने इसको बनाया तो वही है कंगनी, इसको कंगनी ही कहते हैं। मैंने इसको दला हुआ देखा था जिसमें से गोलदाना निकलता है, लेकिन इस छिलके को तो हमें निकालना पड़ेगा ना, तो उसके लिए अब इमाम दस्ता हो तो वो ले लो, उसमें कूट के निकाल लो जैसे बाजरे का छिलका निकालते हैं। अगर वो नहीं है, अब मेरे पास वो तो है नहीं, और फिर थोड़ा थोड़ा बनाते हैं तो इमाम दस्ते में थोड़ा कम कूटता है, बड़े परिवारों में इमाम दस्ता ही ठीक रहता है कि ज़्यादा उसमें कूट जाती है, तो इसलिए मैं आपको दूसरा तरीका बता रही हूँ। इसमें मैं कढ़ाई ले ली है, मैं इसको बना करके खा चुकी हूँ, उसके बाद जो भी एक्सपीरियंस होता है मैं उसी को शेयर करती हूँ कि कैसे इसका छिलका उतरेगा, नहीं तो छिलके मुँह में आएंगे। मैंने कढ़ाई ले लिया, कढ़ाई में इसको थोड़ा सा हम गर्म कर लेंगे ताकि छिलका आसानी से उतर जाए। चलिए कढ़ाई चलते गैस की तरफ। फ्रेंड्स, इसको चलाते हुए मुझे 2 मिनट हो चुके हैं और इसका दाना थोड़ा सा फूल भी जाता है थोड़ा सा। ये देखिए, पास से मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए इसका दाना थोड़ा सा फूल गया। तो जब हम इसको मस लेंगे तो इसका छिलका ऐसे हमारा हटना शुरू हो जाएगा, देखा ना थोड़ा हट रहा है ना, इसलिए बस 2 मिनट हुए हैं सिर्फ, बंद कर दिया। इसको चलाते हुए थोड़ा सा और कर लेते हैं ताकि एकदम से इसका छिलका क्रैक हो जाए। ये प्रोसेस करना हमारे लिए सिर्फ इतना ज़रूरी है क्योंकि ये हमारा छिलका चढ़ा हुआ है, और वैसे साधारण अगर बाज़ार में मुझे कहीं मिल गई डायरेक्ट दली हुई बिना छिलके की तो वो भी मैं वीडियो शेयर करूँगी, लेकिन छिलका उतार के तो तभी बनेगी ना खीर, पहले तो बना ही नहीं सकते। तो अभी गर्म हो गई अच्छे से, हमें इसको ब्राउन नहीं करना है, कलर ही इसका ऐसा आता है, बस इसको हमें अब एक प्लेट में निकालना है। इसको प्लेट में निकाल रहे हैं, मैं अभी मिक्सी में करके आपको दिखाती हूँ। तो हाथ से कटोरी से तो टाइम लगेगा और सिलवटे पे भी टाइम लगेगा क्योंकि ये चीज़ें अभी बहुत कॉमन हो गई हैं घरों में मिक्सी, तो मिक्सी से ही हम इसको फटाफट कर लेते हैं। और एकदम साथ में नहीं चलाना, एक दो बार रुक रुक के चलाना है क्योंकि हाथ से मैंने जो मैंने निकाल के देखा है तो उसमें ना थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगेगा, लेकिन छिलके ये देखिए निकल रहे हैं ना सारे, ये जो हाथ में मेरे चिपके हुए हैं, लेकिन बारीक चीज़ है तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हम मिक्सी यूज़ करते हैं। इसको मैंने ऐसे पीस लिया है, ज़्यादा नहीं पीसना, एक दो बार रुक रुक के चलाना है तो इसमें से ये छिलके अलग हो जाएंगे और दाना इसका चावल का चावल ही बोलेंगे इसका। और ये सर्दियों में ही खाई जाती है, बहुत गर्म होती है, बहुत ताकतवर होती है, और इसको आप कहीं मिले तो ज़रूर बना के खाइएगा। और ये देखिए इसमें से छिलके अलग हो गए और ये जो छोटा छोटा जो दाना आप देख रहे हो ना, ये दाना इसका ये अंदर से निकलेगा। अब इसको हम फटक लेते हैं, इसमें काफ़ी छिलके निकलते हैं, छिलके अलग करके इसके और चावल का दाना अलग कर लेते हैं। तो इसको हम निकालते जाएंगे अलग, ये फेंकना है इस तरीके से, ये हमारा दाना गोल निकल आएगा इसमें। अब सारा फटक के फिर हम इसको धो लेंगे और इस दाने को धो लेंगे क्योंकि कुछ छिलके ऐसे होते हैं कि रह जाते हैं तो वो पानी में ऊपर तैर के बाहर निकल जाएंगे। तो मैं आप ये प्रोसेस करके दिखाती हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। ये हमारे छिलके निकल गए हैं और इसको हम फेंक देते हैं, बाकी हम दाने को धो लेते हैं किनकी को और धो करके फिर उसकी खीर बनाते हैं। तो अगर ज़्यादा हमें चावल कूटने हैं तो उसके लिए फिर इमाम दस्ता यूज़ कर सकते हैं, और नहीं तो मिक्सी यूज़ कीजिए, आजकल हमारे पास घरों में मिक्सी है
तो इमाम दस्ता भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मिक्सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए धो के दिखाती हूँ मैं। अभी इसमें मैंने पानी डाल लिया, कुछ मैं धो चुकी हूँ इसको। ये मैं आपको साफ पानी में दिखा रही हूँ कि देखिए इसमें जो भी छिलका रह जाता है और गंदगी रह जाती है, धोना बहुत ज़रूरी है। और ये हमारे चावल निकल आए। जिनको फटकना नहीं आता ना, तो डायरेक्ट पानी में धो दीजिए, सारे छिलके तैर करके हल्के होकर के पानी में आ जाएंगे और उनको फिर पानी से नितार करके फेंक सकते हो। ये मैंने इसलिए करके दिखाया कि ये प्रोसेस करना ज़रूरी है। अभी हमारे चावल के दाने, कनकी के चावल जिसको बोलते हैं कनकी, वो हमारी निकल आई है। अब थोड़ी देर इसको पानी में भिगोए रहने देंगे और अच्छे साफ पानी में और एक बार निकालेंगे तो हमारी कनकी बनने के लिए रेडी है। जरा सा भून लो, हल्का सा, ना भी भूनो तो भी निकाल सकते हो। भूनने से एक एक दाना सब क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा भून लिया था। और बिना भुने हो सकता है कि पूरा छिलका ना उतरे। भूनने का तरीका यह है नंबर एक। नंबर दो, अगर फटक के आप नहीं निकाल सकते तो फिर आप डायरेक्ट धो सकते हैं और ऊपर का सारा पानी निकाल दें तो छिलके सारे गंदगी बाहर निकल जाएगी। और आपके 3 से 4 बार आपको धोना ज़रूरी है जब तक कि ये सारा साफ पानी ना हो जाए। चलिए थोड़ी देर पानी भिगो रहने देते हैं, फिर इसको दूध में हम खीर बनाते हैं। यहाँ मैंने दूध को उबलने के लिए रख दिया है। अब दूध हमारा उबल गया है, कनकी हमारी पानी में भीग चुकी है और इसे हम इसमें डाल देंगे। इसको 1 से 2 बार बीच में चला देंगे और ढक करके इसको पकने देंगे। इसे 10 मिनट तक धीमी गैस पर ढक करके पकाएंगे और बहुत जल्दी बन जाती है खीर। अब हम 10 मिनट बाद चेक करते हैं। इसको लो फ्लेम पर रखा था, ये देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, इसके अच्छे से दाने गल गए हैं क्योंकि ये हमारी पानी में भी भीगी थी पहले और उसके बाद दूध में, उबलते दूध में डालेंगे तो बहुत जल्दी बन जाती है। ठंडे दूध में डालने पर इसमें वक्त लगेगा। और अब इसमें हम डालते हैं अपने स्वाद के अनुसार मीठा। बस हमने अब चीनी डाल दी है, ये खुल जाएगी तो अब हमारी ये कनकी की खीर रेडी है। देखिए अच्छे से गाढ़ी भी हो गई है। और बताइएगा फ्रेंड्स मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है, कनकी की खीर। इसमें फिर से मैं आपको पॉइंट रिवाइज कर देती हूँ। एक तो ये कनकी गर्म होती है, सर्दियों में ही खाना है इसको, गर्मी में नहीं खाना है, बहुत ताकतवर होती है। नंबर दो, अगर आपको ये साफ की हुई कुटी हुई कनकी मिल जाती है तो सिर्फ आपको इसमें बनाने में 10 मिनट लगेंगे। अगर साफ की हुई नहीं मिलती है तो साबुत मिलती है, तो जैसे मैंने आपको बताया है प्रोसेस साफ़ करने का, उस तरीके से इसको साफ़ करके आप बना सकते हैं। तो मैंने इस वीडियो में आपको कनकी को साफ़ करना और कैसे उसके छिलके उतारने हैं और क्या तरीका है इसको बनाने का, तो ये सब बता दिया है। तो एक लाइक तो इतनी मेहनत करने के बाद बनता ही है, और अच्छा सा कमेंट छोड़ के जाइएगा। और पसंद आने पर न्यू व्यूअर्स सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा ताकि अगली नोटिफिकेशन जब भी मिले आपको सबसे पहले नया वीडियो मेरा मिल गया। आप और कौन सी सर्दी की रेसिपी पसंद करते हैं वो बताइएगा, फिर मैं आपको वो भी शेयर करूँगी। और कोई ना कोई, अब मैं चलती हूँ दूसरी वीडियो बनाने के लिए, नई रेसिपी सोचने के लिए कि आपको क्या खिलाना है। तब तक के लिए बाय बाय।